आईसीएआर यूजी 2021 का ऑलरेडी थर्ड राउंड खत्म हो चुका है। क्या इस मूवमेंट पर ऐसा सीक्रेट टिप्स है जिसे फॉलो करके आईसीएआर में इस लास्ट मूवमेंट पर भी सीट पा सकते हैं? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक टिप्स या ट्रिक्स है या फिर नहीं? आईसीआर यूजी में मोपो ब्रांड पर किन किन एस्पिरेंट को बुलाता है? क्या आईसीआर में सिर्फ जो भी एस्पिरेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड पर सिलेक्शन हुआ है उनको बुलाता है, या फिर जिन्होंने भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी मोपो ब्रांड में सिलेक्शन ले सकते हैं? आईसीआर यूजी में मोपो ब्रांड में क्या सच में जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है सिलेक्शन पा सकते हैं या फिर नहीं? क्या कोई ऐसा सीक्रेट टिप्स है जिसे मोपो ब्रांड पर भी मैक्सिमम रैंक पर भी सिलेक्शन पा सकते हैं या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली आईसीआर यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या कर रहे हो, आपको पता होगा आईसीआर का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने भी भाग लिया था फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड पर, जिन्होंने का भी सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका भी नहीं हुआ है आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे आप आईसीआर में इस लास्ट मोमेंट पर भी सिलेक्शन ले सकते हो, और किन किन एस्पिरेंट को वेट करना है, और किन किन एस्पिरेंट को 2022 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर आप सीरियस आईसीआर एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना। अगर आप जानना चाहते हो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कि आईसीआर में कैसे एक सीट पक्का करें, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बताने। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आईसीआर का थर्ड राउंड ख़त्म हो चुका है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत 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 बधाई, और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है प्लीज़ डीमोटिवेट मत होएगा। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लोगे, जितना भी डीमोटिवेट हुए हो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर से आप मोटिवेट हो जाओगे कि आईसीआर में सिलेक्शन मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके, बहुत सारे एस्पिरेंट है जिन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है कि सर, मेरा जो भी आपने कट ऑफ किया था, जितना भी रैंक पर आपने बताया था, मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो मतलब उन्होंने मुझे भी थैंक यू बताया है, मैंने जिस डेट को या जिस रैंक पर, मतलब सेफ रैंक आपको बताया था कि आईसीआर में इतना रैंक पर सिलेक्शन होगा फर्स्ट राउंड पर, या फिर उतना रैंक पर सेकंड राउंड पर, या फिर एक्सपेक्टेड थर्ड राउंड पर उतना ही रैंक पर मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकता है, फाइनली उतना ही रैंक पर सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ है बहुत सारे एस्पिरेंट का। अगर आपका अभी भी ट्रस्ट नहीं है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आप वो वीडियो वन बाय वन देख लोगे आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि आपको मैं जो भी डाटा दे रहा हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी डाटा दे रहा हूँ प्रीवियस और दो या तीन साल के जो भी इन्फॉर्मेशन डाटा है उसके बेसिस पर बात बता रहा हूँ। मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ, उसके बेसिस पर ही बता रहा हूँ। इसलिए 100% जो बता रहा हूँ वो सही हो रहा है कि आईसीआर में इतने सेफ रैंक पर सिलेक्शन हो चुका है और इस बार भी इतने सेफ रैंक पर होगा। ओके, और बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आईसीआर में जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें। तो कुछ ऑथेंटिक बातें बताऊंगा, कुछ बातें कड़वा होगा, लेकिन आपको जो बोलूंगा सही बोलूंगा। बहुत सारे एस्पिरेंट है जो कि जनरल कैटेगरी में बिलिंग करते हैं और उनका रैंक है 61.358, मतलब 61,358 और उससे भी ऊपर है। उनका भी बहुत सारे मैसेज आ रहा है कि उनका डाउट आ रहा है कि मेरा आईसीआर में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, बहुत सारा डाउट आ रहा है। तो उनका उनके बारे में कुछ स्पेशल डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को एंड तक ही बने रहना, क्योंकि जो बताऊंगा थोड़ा बहुत ट्रुथ हो सकता है, क्योंकि आईसीआर में सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं है। आपको पता होगा ऑल इंडिया में अगर कोई नंबर वन यूनिवर्सिटी है वो है आईसीआर। अगर आईसीआर में एक बार कैरियर कर लेते हो तो आपका पूरी कैरियर 110% ब्राइट हो जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इसलिए अगर आप आईसीआर में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। इस बार नहीं हुआ तो मतलब 2022 के भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आईसीआर में अगर एक बार आप सिलेक्शन ले गए तो आपका कैरियर 110% ब्राइट है। आपको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, बहुत काम कम, मतलब 10% काम पर भी आपको सैलरी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हो आईसीआर में कितना कुछ सैलरी मिलता है, उस वीडियो का जो भी डाटा है 2022 का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आईसीआर में कितना कुछ सैलरी मिलता है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा, जाके वो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप वो वीडियो देख लोगे आईसीआर में कितना कुछ सैलरी मिलता है, आप 100% जितना भी आप डीमोटिवेट हुए हो वो फिर से मोटिवेट हो जाएगी, मुझे आईसीआर में एक सीट चाहिए ही चाहिए। ओके, और आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सर, आईसीआर में मोपो ब्रांड क्या है और मोपो ब्रांड में
किस किस का सिलेक्शन होता है और किन को बुलाता है। तो मॉपअप राउंड क्या है उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, लगभग 13 मिनट का है वो वीडियो है, मॉपअप राउंड क्या है और मॉपअप राउंड पर कैसे सीक्रेट टिप से सिलेक्शन पा सकता है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो वो सारे वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, जाके वन बाय वन देख लो। ओके, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीआर में मॉपअप राउंड में किन किन का सिलेक्शन होता है, तो कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा और अच्छी बातें ध्यान से सुनेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट है जो कि दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर मेरा आईसीआर में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में मतलब सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मेरा जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है या ड्रीम कॉलेज है वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं क्या मॉपअप राउंड में फिर से सिलेक्शन पा सकता हूँ बहुत मेरा जो ड्रीम कॉलेज है? तो उनको जो अथेंटिक बातें बताना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड पर ऑलरेडी सिलेक्शन पा चुके हो किसी भी कॉलेज में, आप कोई भी कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड पर अभी तक जो भी रिजल्ट आया है और आपका सिलेक्शन हो चुका है, प्लीज़ उस पर रजिस्टर और फीस जमा मत करो। ये खुद ही आईसीआर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप आईसीआर के थर्ड राउंड पर मतलब फीस या जो भी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करते हो आपको चांस मिलेगा मॉपअप राउंड पर, ये बात ध्यान में रखो। ओके, अब आता है मॉपअप राउंड पर किन किन को चांस मिलता है। मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया कि जिनने भी मतलब जो भी एस्पिरेंट है थर्ड राउंड पर जिन्होंने भी फीस या रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको चांस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिनका मतलब जो भी एस्पिरेंट है थर्ड राउंड पर मैक्सिमम रैंक है, फॉर एग्जांपल थर्ड राउंड पर रैंक है 20,000 या फिर 15,000, अगर आपका रैंक 15,600 है या फिर 16,000 है आपको चांस मिलता है मॉपअप राउंड पर सिलेक्शन पाने का। यह बात ध्यान में रखो, जितना भी कट ऑफ गया है उससे थोड़ा बहुत नीचे अगर होगा आपको सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, यह बात ध्यान में रखो। और हाँ, एक बहुत ही अच्छा बात बताऊँगा, अगर आप मॉपअप राउंड में सिलेक्शन लेना चाहते हो जितना भी कॉलेज आपको मिलता है आपको चूज करने के लिए, प्लीज़ सभी कॉलेज आपको सिलेक्शन कर लेना है। फॉर एग्जांपल 10 कॉलेज आपको मिला है, ओके, मतलब चूज करने के लिए आपको एक या दो कॉलेज नहीं चूज करना है, आपको जितना भी कॉलेज मिला है सभी को वन बाय वन मतलब 10 ही कॉलेज आपको सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। ये बात ध्यान में रखो, मॉपअप राउंड आईसीआर में लास्ट राउंड है, इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी चांस मिलेगा वो कॉलेज वाइज, मतलब एक एक कॉलेज होता है जो कि स्पेशली उनका जो भी 2 या 3 सीट बढ़ता है मतलब रहता है वो खुद ही कॉलेज वाइज सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन जो मॉपअप राउंड है वो सेंट्रल, जिस तरह फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जिस तरह सिलेक्शन होता है फाइनली उसी तरह ही मॉपअप राउंड सिलेक्शन होता है, ये बात ध्यान में रखो। इसलिए मॉपअप राउंड में कुछ भी गलती मत करना, आप कॉलेज जितना भी आपको मिलेगा सब कुछ वन बाय वन आपको सिलेक्शन कर लेना है अगर आप आईसीआर में लास्ट मेंबर सिलेक्शन लेना चाहते हो, ये बात ध्यान में रखो, नहीं तो 2021 में ये भूल जाओ कि आपको आईसीआर में सिलेक्शन मिल सकता है। ओके, और हाँ कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, बहुत सारे एस्पिरेंट ये मुझे बोलते हैं कि भाई मेरा इस बार सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, तो ये चिंता दिमाग में हटा दो। अगर आप आईसीआर में सिलेक्शन लेना चाहते हो किसी भी हाल में, इस बार हो या फिर 2022 के लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन स्टार्ट दो, क्योंकि अगर आप आईसीआर में एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो आपका करियर 110% ब्राइट है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आईसीआर में थर्ड राउंड के बाद और कुछ ऑप्शन मिलता है या फिर नहीं। जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है उनको मैं रिप्लाई दूंगा, हाँ आईसीआर में थर्ड राउंड के बाद लास्ट जो राउंड है वो है मॉपअप राउंड। ओके, अगर मॉपअप राउंड में आप फिर भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं आपका सिलेक्शन 2021 में नहीं हो सकता, यह बात ध्यान में रखो। ओके, तो अब आते हैं जो मैंने लास्ट मोमेंट पर गोल्डन टिप्स बताना था कि किस किन बच्चों का या फिर किन किन एस्पिरेंट का सिलेक्शन हो सकता है, तो ये आपको लिख कर दे सकता हूँ। जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो और आपका रैंक 50,000 या 55,000 से ऊपर है, आप प्लीज़ 2021 के लिए वेट मत करो, 2022 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC, EWS इन कैटेगरी में बिलोंग करते हो, रुक जाओ, EWS कैटेगरी में अगर आप स्पेशली बिलोंग करते हो आपका 110% मॉपअप राउंड में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो और 50,000 या 55,000 से भी ऊपर आपका रैंक है, प्लीज़ इस साल के लिए वेट मत करो। जिनका भी SC, ST, EWS पर 50,000 या 55,000 से भी ऊपर है, प्लीज़ एंड तक वेट करना मॉपअप राउंड पर, आपका 98% चांस है सिलेक्शन होने का, ये बात ध्यान में रखो। यही है गोल्डन टिप्स कि आपको लास्ट मोमेंट तक ही वेट करना। ओके,
तो आज के लिए इतना ही, और फिर भी जो आपका जो कुछ डाउट रहेगा मुझे नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है मुझे नीचे कमेंट कर देना कि आपका सिलेक्शन कितना रैंक पर हुआ है। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि आईसीआर में मोपो राउंड पर कितना सेफ रैंक मिलेगा और मोपो राउंड पर कितना सेफ रैंक पर 3 या 4 साल के प्रीवियस डाटा से आपके पास लाऊंगा कि मोपो राउंड में सिलेक्शन हुआ है। अगर आप जानना चाहते हो या सीरियस एस्पिरेंट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख देना किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।